वेलकम टू अवर चैनल, आपका आप ही के चैनल में स्वागत है। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे एक आईपीओ के बारे में। जैसा कि आपके सामने है, कंपनी उषा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से आईपीओ की अनाउंसमेंट की गई है। तो आज हम इस कंपनी के बेसिक डिटेल और आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस तरह की रेगुलर वीडियो चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही ये वीडियो पेड प्रमोशनल नहीं है। अगर आप इस कंपनी में एज एन आईपीओ इन्वेस्ट करते हो या अप्लाई करते हो तो जो भी कंपनी का बिजनेस है या टर्म एंड कंडीशन है उनको आप चेकआउट करके फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भी चाहते हो किसी अनदर कंपनी या आईपीओ में इन्वेस्ट करना तो किसी भी आप थर्ड पार्टी ऐप या वेबसाइट जो रजिस्टर्ड हो स्टॉक एक्सचेंज से उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डाटा जो ये कंपनी है इनकॉर्पोरेट हुई 1995 में, 1995 में, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि ऑफर या प्रोवाइड करती है क्रेडिट सॉल्यूशन टू एनबीएफसी, कॉरपोरेट, एमएसएमई और इंडिविजुअल को, और इसके अलावा साथ ही वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को। जी हाँ, और अक्टूबर 2024 तक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो रहे हैं इस कंपनी में वो 43 के करीब रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। और बाकी जो कंपनी की डिटेल है वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेकआउट कर सकते हो। अब हम डायरेक्ट आते हैं आईपीओ पर। आईपीओ की जो प्राइस रेंज फिक्स की है 160 रुपये से लेके 168 रुपये तक। इन्वेस्टमेंट बेस्ड है क्वांटिटी पे। मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड है 800, उस हिसाब से मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर्ड है 128,000 और मैक्सिमम 134,400। कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो? 24 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर तक। टाइमिंग सुबह 10 से लेके शाम 5 बजे तक। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर इक्विटी शेयर। अगर शेयर आपको मिलते हैं तो अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा 29 अक्टूबर तक। ना मिलने पर रिफंड होगा 30 अक्टूबर तक। शेयर मिलने पर डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर होंगे 30 अक्टूबर तक और उनकी लिस्टिंग होगी 31 अक्टूबर तक। जी, तो ये थी कुछ बेसिक डिटेल। उसके बाद ये प्रोस्पेक्टस है। जब भी आप किसी कंपनी या आईपीओ में इन्वेस्ट करो तो प्रोस्पेक्टस को जरूर रीड आउट करो, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको नॉन फाइनेंशियल थिंग्स आपको मिलेगी जो आपके लिए जरूरी हो सकती है। उसके बाद ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये तो यहाँ पर कंपनी या कंपनी से जुड़ी जो भी बेसिक डिटेल है वो आप ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।